जब ऐश्वर्या राय ने बिना मेकअप के की थी इस गाने की शूटिंग, डायरेक्टर ने कह दिया था खत्म कर दूंगा तुम्हारी मिस वर्ल्ड की इमेज। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी मूवी ताल के रियल स्टोरी के बारे में। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ऐश्वर्या राय नाम सुनते ही सभी का दिल धड़कता है। ऐश्वर्या राय की खूबसूरती का भला कौन दीवाना नहीं है। मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय ने 90 के दशक में एक फिल्म का गाना बिना मेकअप के शूट किया था। इस फिल्म में उनकी मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया था। दोस्तों ऐश्वर्या राय की गिनती बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में की जाती है। खासकर 90 के दशक में ऐश्वर्या जिन फिल्मों में नजर आईं उनकी खूबसूरती पर सबकी नज़रें ठहर गईं। बेशक दर्शकों की नज़रें ठहरनी ही थी, क्योंकि ऐश हमारी कमाल की अदकारा और बहुत खूबसूरत जो हैं, उनकी खूबसूरत आंखें उनकी एक्टिंग और लुक्स में चार चंद लगा देती है। 90 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक फिल्म में ऐश्वर्या राय ज़्यादातर शूट के दौरान मेकअप ही नहीं किया था। दोस्तों फिल्म के एक गाने में तो वह पूरी तरह से नो मेकअप लुक में नजर आई थीं, और फिल्म साइन करते वक्त डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि वह उनकी मिस वर्ल्ड की इमेज को ख़त्म कर देंगे। चलिए आपको बताते हैं यह दिलचस्प किस्सा। 90 के दशक की हिट फिल्मों की बात चलती है तो उसमें ताल फिल्म का नाम जरूर आता है। यह फिल्म 1999 में आई थी और ऐश के करियर की हिट फिल्मों में से एक है। फिल्म को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में ऐश के अंदाज को ऑडियंस का दिल जीत लिया था। इंडियन आइडल के मंच पर सुभाष घई ने इस बात का जिक्र किया था कि ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म के ज़्यादातर हिस्से की शूटिंग बिना मेकअप के की थी। सुभाष घई ने बताया था कि उस फिल्म में ऐश को ऐसी लड़की के तौर पर दिखाना था जो पहाड़ों से नाता रखती हो, जिसकी सुंदरता पूरी तरह नेचुरल हो, जो मासूम हो और जिससे खूबसूरत दिखने के लिए सजने संवरने की जरूरत नहीं हो। ऐश ने बखूबी इस रोल को प्ले किया था। फिल्म का टाइटल सॉन्ग ऐश ने बिना मेकअप के शूट किया था और इस गाने के लिए उन्होंने एक शॉट दिया था जिसमें वह कीचड़ के पानी में बैठ जाती हैं और फिर टॉप शॉट लिया जाता है। सुभाष घई ने शूट के बीच में ही ऐश से पूछा था कि क्या वह ऐसा करने के लिए कंफर्टेबल हैं, और उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया था। दोस्तों यहाँ तक कि जब सुभाष घई ने ऐश को यह फिल्म ऑफर की थी तब उन्होंने कहा था कि वह उनकी मिस वर्ल्ड इमेज को ख़त्म कर देना चाहते हैं। रिपोर्ट की माने तो फिल्म के गाने कहीं आग लगे लग जाए के लिए ऐश ने पहली बार मेकअप किया था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।